मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता मानस डिडिक्शन सेंटर से लुधियाना से बोल रहा हूं। अज मैं थोड़े नाल बड़ी जरूरी गल करांगा, वो गल हैगी है हीरोइन दे इंजेक्शन बारे। तुझे सुनिया होगा कि चिट्टा एक नशा होंदा है जिहड़ा कि बहुत महंगा नशा होंदा, बड़ा एक खतरनाक नशा होंदा है। इस चिट्टे नूं असीं इंग्लिश दे विच हीरोइन कहिंदे हां। इह हीरोइन भी होंदी है, इह बेसिकली मार्फिन तों बनदी है और इह मार्फिन फेम तों बनदी है। काफी नौजवान अपने मुल्क दे विच अजकल चिट्टे दा नशा करते हैं और इस नशे नूं करन नूं अपना एक फैशन समझते हैं। लेकिन साडा सब दा जो तजर्बा हैगा यह शो करता है यह नशा इंसान की जिंदगी नूं, उसके परिवार नूं आर्थिक तौर पर, दिमागी तौर पर, समाजिक तौर पर बिल्कुल ही खत्म कर देता है। लेकिन अज का मैं मेन डिस्कशन करना चाहता इस सबजैक्ट से, वह हैगा हीरोइन या चिट्टे के टीके। अपने मुल्क दे विच शहरां दे विच जो चिट्टा हैगा हीरोइन टीके है, यह 3000 तों लैके 5000 रुपए पर ग्राम हुंदी हैगी है। और जिहड़ा बच्चा जिहड़ा नौजवान इस नशे दा आदी हुंदा है, शुरू दे विच ते इस तरीके नाल पैसे इकट्ठे कर लैंदा है, मां प्यो तों लोन लैंदा है, फीस जमा नहीं करांदा, अगे उसे चोरी कर लैंदा हैगा, उधार लै लैंदा है, अपना समान बेच दिंदा है, घर तों चोरी करके समान बेच दिंदा है। लेकिन आम तौर पर असीं देखिआ कि कुछ महीनों बाद, कुछ साल के बाद वह इन अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगा नशा हैगा। किसी भी बंदे वास्ते जिहड़ा एक कॉलेज का स्टूडेंट है या खेती करता है या ट्रक चलाता है या छोटा मोटा काम करता है, व्यापार करता है, रोज के 3000 रुपए, 4000 रुपए, 6000 रुपए चिट्टे नूं ला लैने बहुत ही एक इम्पोसिबल गल बनती हैगी है। जिस वेले नशे के बंदे के कोल पैसे घट होंदे हैं या चिट्टा घट मिलता है या हीरोइन घट मिलती है, वह की करता है, पानी से बाहर एक टीका बना लेता है, टीके को लगा लेता है। और ये टीके बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, बहुत ही घातक साबित होते हैं। ये प्रॉब्लम आदि है वो तुम कुछ दसना चाहता है। काफी लोग इंजेक्शन आपस में शेयर करते हैं, सुनता काला बी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स की बीमारी हैगी है, एक मरीज तो दूजे मरीज जा जाके चीन बन जाती हैगी है और फैलती पी है। इनफेक्शन दो बड़िया होंगे, पिछले ही कुछ महीने की गल है, एक पेशेंट मेरे क्लीनिक से आया, उसकी बांह से इंजेक्शन लग लग के, हाथ से लग लग के, उसका हाथ से वो गैंग्रीन हो गया, काला हो गया और सर्जन साहबान हाथ से कटना पै गया। 22 साल का नौजवान सज्जे हाथ में गवा बैठा। इस तरह ही एक बारी एक पेशेंट आया से मेरे को, गरीब घर का सी, वो अपनी थाई में इंजेक्शन लगाता सी, उत्थे थ्रोम्बोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, उहदी लत सी वो भी कटनी पै गई। सो इनफेक्शन का होना, नाड़ियों का ब्लॉक होना और बॉडी के हिस्से को कटना पै जाना, यह भी इंजेक्शन की बड़ी वड्डी एक खतरनाक समस्या हैगी है। और सब नालों वड्डी समस्या हैगी है एकदम मौत होना। तुसीं अखबारां च पढ़ते हो गए कि कोई ना कोई नौजवान कार के विच बैठा सी, पार्क च बैठा सी, सवेरे बाथरूम की डैथ हो गई या बैड से डैथ हो गई। देखा गया कि बाथरूम के विच, कार के विच, पार्क के विच उहदे कोल दी हाथ दे विच सिंज पकड़ी हुई सी। जिसले नौजवान या पेशेंट इंजेक्शन लगाता है, कई बार की होंदा है डोज बढ़ जाती है, जल्दी लगा लैंदा है, या वह मिलावटी हीरोइन होंदी है, असली हीरोइन नहीं होंदी, खुदा जाने की कैमिकल पे होंगे। सो उस कारण भी जी सडन डैथ का खतरा रहता है। पेशेंट की सेहत खराब रहती है, उसकी अखा देखोगे सुकिया जी नजर आन गया, चिट्टिया जी नजर आन गया, मूवमेंट नहीं होंगी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं होंगी। उसे हाथ देखोगे, पहले लोग हाथ इंजेक्शन लगाते हैं, फिर हाथ की नालियां नहीं मिलती, फिर वह पैरों के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर लत्तों के लगाते हैं, यानी एक जिंदगी की बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। सो मेरी कोई रिक्वेस्ट हैगी है नौजवानों वास्ते, इस नशे पिछे ना पवो, बड़ा ही गलत नशा हैगा, तुहाडी पढ़ाई नूं, तुहाडे कैरियर नूं,
ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।